वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और लगातार हम बने हुए हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। नागरिकता संशोधन एक्ट को लेकर विरोध की आवाजें दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से सुनाई दे रही हैं। ताजा मामला सीलमपुर इलाके से है, जहां पर जाफराबाद जाने वाली रोड की तरफ जो स्थिति है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें ये नहीं है। वहां पर प्रदर्शन के बाद भारी सुरक्षा बल तैनात, प्रदर्शनकारियों ने बसों पर पथराव किया, ये प्रदर्शन हिंसक हुआ, जिसके बाद 3 मेट्रो स्टेशंस को बंद भी किया गया है, सीलमपुर, मौजपुर, गोकुलपुरी। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा गया है। कुल मिलाकर ये 6 जो है स्टेशंस हैं जहां जिनको बंद किया गया है फिलहाल, जो जानकारी मिल रही है। नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन के लिए ये लोग यहां पर इकट्ठा हुए, लेकिन धीरे धीरे भीड़ बढ़ी और प्रदर्शन उग्र होता चला गया। अरविंद ओझा हमें लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, हालात पर नजर बनाए हुए हैं। अरविंद, ताजा जानकारी। जी देखिए मीनाक्षी, अगर आप तस्वीरें देखें तो ये जो इलाका है जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ इस पूरे इलाके में उपद्रवियों का कब्जा था, लेकिन अब धीरे धीरे जो पुलिस है वो इस इलाके में वो आगे बढ़ती हुई है। और वो सामने तस्वीरें देखे, अपने कैमरा पर्सन कहूँ कहा कि वो आगे आए, ये बेहद करीब है जहाँ सामने प्रोटेस्टर है। तकरीबन 3 किलोमीटर दूर तक जो कब्जा था वो धीरे धीरे जो प्रोटेस्टर है उनको खदेड़ा गया, और ये सामने की तरफ जो एक बग्घीनुमा चीज आपको दिख रही होगी, ऐसा लगता है कि इसको भी आग के हवाले किया गया और जमकर पत्थरबाजी हुई है। लेकिन फिलहाल स्थिति ठीक है सर? हाँ, अभी कुछ हद तक तो ठीक है, अभी आगे हैं लोग। हाँ, थोड़े तो ये कि यहाँ की स्थिति है, कैमरा पर्सन कहूँगा कि वो दिखाएं आपको, ये स्थिति यहाँ पर है। लोकल लोगों की पुलिस ने कुछ मदद ली है ताकि जो भीड़ है उसको समझाया बुझा सके, लेकिन ये सड़कों ऊपर मेट्रो स्टेशन है अगर आप देखें, और नीचे जो मेट्रो स्टेशन है उसको पूरी तरह से बंद किया गया, और ये यहाँ पर पत्थरबाजी इतनी जबरदस्त हुई कि पूरी जो सड़क है वो पत्थरों से पटी पड़ी हुई है। और सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर ये था कि सीलमपुर, जाफराबाद ये अपनी गलियों के लिए जाना जाता है जैसे पुरानी दिल्ली में, और गलियों से निकल कर जो प्रोटेस्टर है वो इतने ज़्यादा उग्र हो गए। अब ये जाँच का विषय है कि आखिर ये जो प्रोटेस्टर है उग्र कैसे हो गए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन ये देखें अगर आप, तो ये जो आप बग्घी देख पा रही हैं इसमें आग लगाई गई है, ये सड़क के किनारे ऐसा लगता है खड़ी थी और इसको आग के हवाले पूरी तरह से कर दिया गया, जिसमें अभी भी आग लगी हुई है। और वो सामने की तरफ, ये एक सबसे क्लोज तस्वीर आपको दिखाऊं मीनाक्षी, वो सामने की तरफ अभी भी जो प्रोटेस्टर है वो ऐसा लगता है कोई पार्क है उसमें जमा हुए हैं, और वहां से अब ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। धीरे धीरे करके फिर भी पुलिस हिम्मत के साथ आगे बढ़ती हुई, और जो प्रोटेस्टर है वो वहां पर है, लेकिन फिलहाल जो पत्थरबाजी है वो रुक गई है। ये और अब छतों पर अगर आप देखें तो चूंकि ये यहाँ पर नजर आप रुक जाए यहाँ पर, ये देखिए ये यहाँ पर अब जो कुछ प्रोटेस्टर को पुलिस ने यहाँ पर रोका हुआ है। कैमरा पर्सन को नीचे की तस्वीरें आपको दिखाएं, वो दिखाओ। ये यहाँ पर अब धीरे धीरे जो जो उपद्रवी हैं जिनको पुलिस पकड़ पा रही है उनको पकड़ रही है, और आप कहीं ना कहीं हिरासत में लेने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन कैमरा पर्सन को वो तस्वीरें दिखाएं, और सामने की तरफ अगर देखेंगे आप तो वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में, हम कोशिश कर रहे हैं आपको जूम करके दिखाएं कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो लड़के हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि अभी किसी तरीके की कोई पत्थरबाजी सामने की तरफ से नहीं हो रही है, और ये यहाँ पर कुछ कपड़ों का भी मार्केट है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर अगर देखें यहाँ पर तो काफ़ी कपड़े यहाँ पर रखे गए हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ पर कहीं कुछ उपद्रव या ज़्यादा हुआ था यहाँ पर। तो फिलहाल यहाँ पर पुलिस बढ़ रही है, और राहत की बात यह है कि इसी पूरी सड़क पर जो उपद्रवी थे, जो भीड़ थी वो बेकाबू होकर यहाँ से पत्थरबाजी कर रही थी, लेकिन अब फिलहाल
की स्थिति ये है कि सब कुछ यहाँ पर शांत होता लगभग दिखाई सा दे रहा है, लेकिन ये शांति कितने देर कायम रहती है ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सर अभी की क्या स्थिति है? सर शांति है अभी? अभी शांति, आप चले जाओ आगे। सामने लड़के हैं? हाँ आगे SHO साहब भी है। SHO साहब भी, ये देखिए, ये लगभग यहाँ पर चूंकि कहीं ना कहीं जो पुलिस की एक रणनीति थी कि लोकल लोगों को इन्वॉल्व किया जाए और समझाया बुझाया जाए, तो ये जो पूरी सड़क है, आपको बता दूं कि ये जो पूरी सड़क है ये मेट्रो ऊपर चलती है और नीचे की तरफ जो सड़क है, और तकरीबन ये जो आसपास है अगर देखें आप, सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं। यहाँ पर छोटी मोटी कई बड़ी दुकानें होती हैं कपड़े की और चमड़े की, चमड़े का व्यापार, कपड़े का थोक व्यापार होता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर तकरीबन 1 बजे के लगभग जो आप लाइव हो, 1 बजे के लगभग जो प्रोटेस्ट है वो शुरू हुआ, लेकिन वो इतना ज़्यादा उग्र हो गया। ये एक ग्राउंड जीरो की आप अगर आप तस्वीर देखें तो ये तस्वीर देखें, यहाँ पर आमने सामने जो लोग हैं वो यहाँ पर आमने सामने इकट्ठा है और पुलिस से लगातार बातचीत यहाँ पर की जा रही है, एक संवाद कायम करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है और हल्ला गुल्ला मच रहा। और इसी तरीके की कमोबेश इसी तरह की तस्वीर 1 बजे के लगभग सामने आई थी, इसी तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा था। आप लोगों के हाथों में तख्तियां देख पा रही हैं, सिटीजन अमेंडमेंट बिल को लेकर यह प्रोटेस्ट चल रहा था 1 बजे के लगभग, लेकिन भीड़ अचानक से उग्र हो गई, जमकर पत्थरबाजी हुई, पुलिस को तकरीबन 3 से 4 बार पीछे हटना पड़ा, उसके बाद एक्स्ट्रा फोर्स बुलाई गई, उसके बाद पुलिस आगे की तरफ बढ़ी। अब ये एक स्थिति ये है कि यहाँ आगे की तरफ जो कुछ लोग यहाँ पर हैं और पुलिस के जो लोग हैं उनसे यहाँ पर अब आमने सामने कुछ बातचीत हो रही है। क्या बातचीत हो रही है हम आपको आगे जाने की, सर आप यहाँ के लोकल हैं, आपने लोगों को काफी समझाया? अभी कुछ नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, समझाया आपने? वो परेशानी आती रहती है, समझे, मोमेंट बदलता रहता है, अभी बात करने का टाइम नहीं। मैंने देखा आपने एक अच्छी कोशिश की, आपने काफी लोगों को समझाया यहाँ पर, इसमें कोई शक नहीं है, मैंने समझाया जा रहा है, लोग बात भी सुनने हमारी जा रहे हैं। अच्छा, और आने वाले वक्त में उम्मीद है, समझे, कि ये जो रिकवरी अभी है वो खत्म कर देंगे, अभी मामला सारे हल हो जाएंगे। प्रोटेस्ट वो शांति प्रोटेस्ट बैठ गए हैं, समझे, सिर्फ बैठ गए शांति प्रोटेस्ट में कि हाँ ये चीज है, नहीं होना चाहिए, गलत हो गया है। कुछ लोग ऐसे सुलझे हुए आदमी है, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई ये जो हो रहा है वो गलत हो गया है, समझे, वो मोमेंट अब नहीं पैदा होगा जो हो चुका है जी। बाकी महल्ले के लोग अंदर जो है वो मेरे के समझाने पर वो इन कर गए, अंदर चले गए। ये आप, मैं आपको बता दूं कि इनमें काफी देर से मैं देख रहा हूं और इन्होंने पुलिस की तरफ से लोगों को काफी ज्यादा, अभी अभी ना हमारे साथ में जो भी है पूरी टीम लगी हुई है, हम लोग सब मिल करके समझा रहे हैं, पुलिस भी समझा रही है, हमारा अच्छी कोशिश है, ये एक अच्छी कोशिश है, इसकी सराहना होनी चाहिए कि जो बात लोग बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उम्मीद है, समझे, कि ये मोमेंट नहीं पैदा होगा, ये चेहरे दिखाने का मोमेंट था, इन्होंने थोड़े से लापरवाही किए, यंग बैच के लड़के हैं, उन्होंने गलती कर रखा है, समझे, उसकी प्रोटेस्ट निकल रही थी, अब चेहरे पे आ गए वो, समझे, वो प्रोटेस्ट नहीं है, पत्थरबाजी जो हो रही थी वो सारी खत्म हो गई है, सारी खत्म हो गई है। लेकिन अभी भी मैं आपको बताऊं कि ये देखिए, ये यहाँ पर ये यहाँ की स्थिति है, कैमरा पर्सन को दिखाएं कि यहाँ पर लोग अब बैठ चुके हैं कुछ, और ये यहाँ पर अब धरने पर कहीं ना कहीं बैठ गए और समझाने बुझाने की यहाँ पर जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर ये देखिए, ये एक तस्वीर है यहाँ पर, और जो लोग हैं यहाँ पर भीड़ में वो ज़्यादा इकट्ठा, कैमरा पर्सन को उनके क्या है वो दिखाएं, वो देखिए वो है, और पुलिस समझा भी रही है, बुझा रही है। एक ये स्थिति अच्छी है कि आमने सामने की बातचीत हो रही है, बातचीत से ही कोई रास्ता निकलता है और लोगों के बीच आपस में बातचीत हो रही है, पुलिस की और लोकल लोगों की, तो इस बातचीत से ही रास्ता निकल सकता है। ये लोकल लोगों को भी मालूम है, पुलिस लोगों को भी मालूम है, और कुछ लोकल लोगों ने वो सपोर्ट भी किया पुलिस के साथ, लोगों से बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश की, एक बातचीत, एक संवाद कायम करने की कोशिश हो रही है। सर चलिए चलिए भाई सर, तो ये मीनाक्षी यहाँ स्थिति है, लेकिन फिर भी पुलिस करी है कि धीरे धीरे आप लोग यहाँ से हट जाए। ये यहाँ पर आप दिखाएं, ये दिखा, ये यहाँ पर लोग हैं और हाथों में कुछ तख्तियां भी लिए हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है वो शुरू हुआ था। देखिए फिलहाल की स्थिति है कि जो DCP हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और जो लगातार अगर आप ये देखें तो कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो भी लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है, एक संवाद की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। देखिए पुलिस का जवान है जो गली में, हालांकि ये गली है और तकरीबन जितनी भी गली है उसमें आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं कि क्योंकि लोग इकट्ठा है। अगर आप ये देखें तो ये देखिए इस गली में, वो देखिए दूसरी तरफ,
तो इस तरह से लोग इकट्ठा हैं। परेशानी यही है कि कम्युनिकेट किस तरह से इनसे किया जाए, पुलिस किस तरीके से इनसे कम्युनिकेट करे, किस तरह से एक संवाद कायम करे ताकि जो ये उग्र प्रदर्शन है इसको रोका जा सके। सामने की तरफ आप अगर आप ये तस्वीरें देखें तो ये गली में कुछ इस तरह से इकट्ठा है और इसी तरह से गलियों में लोग इकट्ठा है और जैसे ही पुलिस पास होती है पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। तो ये एक सबसे चैलेंजिंग यहाँ पर बनी हुई है सिचुएशन कि इसको किसी तरह से कंट्रोल किया जाए। जो DCP हैं उनसे अभी हमारी बात हुई है, वो उन्होंने कहा है कि हम सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन जो गली है उस गली से लोग निकल करके आके पत्थरबाजी कर रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे, ये एक राहत की बात है, अब धीरे धीरे जो प्रोटेस्टर है उन पर पुलिस है वो अब कहीं ना कहीं हावी होती दिखाई दे रही है। ये एक स्थिति कहीं ना कहीं दिख रही है कि अब जो पुलिस है वो धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ जिस वक्त जहाँ पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो प्रोटेस्टर थे शहीद जो प्रोटेस्टर थे वो यहाँ इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में थे, लेकिन अब उनको यहाँ से ये यहाँ पर फिलहाल अगर बात करें दिखाऊंगा, ये यहाँ पर अब लोगों को मीनाक्षी हेलो जी अरविंद, सुन पा रहे हैं हम आपको, प्लीज कंटिन्यू। हमारे संवाददाता अरविंद ओझा हमें रिपोर्ट कर रहे हैं लगातार, लेकिन इस बीच आपको बता दें जामिया के बाद जाफराबाद में नागरिकता मामले को लेकर लोगों का विरोध नजर आया। दोपहर 1 बजे से ये प्रदर्शन की सूरत सीलमपुर से जाफराबाद जाने वाली रोड की तरफ दिखाई दी और उसके बाद भारी पुलिस बल वहां पर तैनात। हालांकि प्रदर्शन उग्र हो गया, हिंसक हुआ जब पत्थरबाजी की घटना हुई, लेकिन हम आपको साथ में ये भी दिखा रहे थे कि अब वहां पर अमन चैन कायम रहे इसके लिए प्रयास हो रहे हैं, पुलिस की तरफ से भी कोशिश हो रही है लोगों को समझाने की और खुद सिविल सोसाइटी के लोग निकलकर सामने आ रहे हैं। स्थानीय लोगों को जोड़ा गया है इस पहल में कि आपस में बातचीत करके लोगों को समझाया जाए और वापस घर भेजा जाए या फिर जो प्रदर्शन वहां पर हो रहे हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से हो। हालांकि जो स्थानीय लोग वहां पर मौजूद थे, एक शख्स की बातचीत हम आपको अभी सुनवा भी रहे थे, अरविंद से उस शख्स ने बातचीत की और उनका ये कहना था कि कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने इस प्रदर्शन को हिंसक बनाया, पत्थरबाजी की, लेकिन लार्जली बड़े तौर पर अगर देखा जाए तो लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की स्थिति में ही गलियों से घरों से निकले थे। लेकिन अब बड़ी बात यह कि चुनौती यहां पर यह है कि जब बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो कैसे उन्हें साथ लेकर CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कन्विंस किया जाएगा, उन्हें भरोसे में लिया जाएगा। ये इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने भी है क्योंकि अगर इस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में भी प्रदर्शन की सूरत बन रही है, अब देश के बाकी हिस्सों में भी अलग अलग राज्यों में इस तरह की खबरें आ रही हैं जहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो ऐसे में अब ये सोचने का विषय है, काम करने का विषय है कि आखिर कैसे लोगों को साथ में लेकर उनका भरोसा जीतकर इस मामले पर आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन इस बीच ये कुछ देर पहले की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पुलिस की तरफ से लगातार वहां पर अनाउंसमेंट की जा रही है, अमन बनाए रखने की अपील की जा रही है। अरविंद, यहां पर एक बात आपसे जरूर समझना चाहेंगे क्योंकि दोपहर 1 बजे से जो ये प्रोटेस्ट का समय भी था कि इस समय से शुरू होगा, क्या पुलिस को कहीं भी अंदाजा था कि ये इतने बड़े मैग्नीट्यूड का प्रदर्शन हो सकता है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे और ये प्रदर्शन आगे हिंसक हो सकता है, उग्र हो सकता है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि पुलिस भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद जरूर थी और जिस तरीके से जामिया में जो हालात बने थे उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा फोर्सेस यहाँ पर जरूर बुलाई गई थी, लेकिन इस तरीके का, इस तरह की आशंका ऐसा लगता है कि नहीं थी, अदरवाइज पुलिस और भी ज्यादा जो फोर्स है वो यहाँ पर रखती। लेकिन
जी अरविंद आ रहे हैं आपके पास और इस बीच हम ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं, ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है इस पूरे हिस्से पर, किसी भी तरह की अनहोनी को रोकने के लिए, हालात ना बिगड़ने पाए इसके लिए इंतजाम पुख्ता। और जिस बात की जानकारी अरविंद दे रहे थे कि भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात था, लेकिन शायद ऐसा अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में ये प्रोटेस्ट हो सकता है। अरविंद अपनी बात पूरी करें। जी देखिए, मीनाक्षी, इस तरह के हालात बने कि अगर आप ये देखें तो लोग अपने घरों की छत से अब देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बकायदा पत्थरबाजी हुई है। सीलमपुर जाफराबाद का ये इलाका है, लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो यहाँ पर पत्थरबाजी उपद्रव वो अब रुक चुका है। जो मस्जिद है वहाँ से बकायदा पुलिस ने, जो यहाँ के इमाम है लोकल, उनसे बातचीत करके अनाउंस करवाया है कि पूरी तरह से पुलिस को अपना काम करने दें और किसी तरीके की जो हिंसा है वो न फैलाएं, किसी तरह की जो पत्थरबाजी है वो न करें। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अब यहाँ पर मीनाक्षी मानते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, ये तस्वीरें हैं। लेकिन अभी भी अगर आप देखें, ये देखिए कैमरा पर्सन को दिखाऊंगा कि जब इस तरह के हालात पैदा हुए तो लोग इतने यहाँ पर डर और सहम गए कि अपने छतों से यहाँ पर लोग देख रहे हैं। और पहले तो ये स्थिति बन गई थी 1 बजे के लगभग, जैसा आपने पूछा कि 1 बजे के लगभग काफ़ी कुछ यहाँ पर शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हो रहा था और नारेबाजी भी लेकिन साथ हो रही थी कि जामिया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन उसके बाद अचानक से ऐसा क्या हुआ कि भीड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा उग्र हो गई। सामने की तरफ अगर आप देखें तो वो जो लड़के हैं उनको यहाँ तक खदेड़ा गया है, लेकिन जो ये सड़क जाती है पूरी, काफ़ी तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर की लंबी ये सड़क है, और इस पूरी सड़क पर जो उपद्रवी थे उनका कब्जा हो गया था और जमकर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। जो प्रोटेस्टर थे उनकी तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। पुलिस को कई बार बैकफुट पर भी जाना पड़ा, लेकिन कुछ लोकल लोगों की मदद ली गई। अभी भी अगर आप यहाँ पर देखें तो जो लड़के हैं यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन एक संवाद कायम करने की कोशिश हो रही है, संवाद की कोशिश हो रही है। लेकिन अरविंद ऐसा भी लगता है कि अभी भी हालात वहाँ पर जो हैं, जी अरविंद, ऐसा लगता है कि हालात जो हैं वो अभी भी संवेदनशील हैं। और अगर इस इलाके की बात की जाए, सीलमपुर का इलाका जो जाफराबाद की तरफ जो ये रोड जाता है, रिहायशी इलाका भी है, यहाँ पर दुकानें भी हैं और शायद दिल्ली की सबसे ज्यादा आबादी वाले इलाकों में से भी एक ये हिस्सा है। तो ऐसे में एहतियातन क्या और कदम पुलिस की तरफ से उठाए जा सकते हैं, आपके सोर्सेज जो भी इस पर डिटेल्स दे रहे हो, जानकारी मिल रही हो, इंटरनेट को लेकर क्या कोई कदम या हालात मेंटेन रहे इसे लेकर और ज्यादा पुलिस की मुस्तैदी? काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है सीलमपुर जाफराबाद, और जैसे पुरानी दिल्ली है, पुरानी दिल्ली की तरह छोटी छोटी यहाँ पर गलियाँ अगर आप देखें तो काफ़ी कंजस्टेड इलाका, आप घरों को देखकर साफ ही अंदाजा लगा सकते हैं। और मुस्लिम बाहुल्य आबादी वाला ये इलाका है, और मीनाक्षी यहाँ पर कपड़ों का व्यापार होता है, चमड़ों की छोटे मोटे उद्योग धंधे भी यहाँ पर चलते हैं। तो छोटे मोटे उद्योग धंधे यहाँ पर चलते हैं, जो बाहर से लोग हैं वो भी आकर यहाँ पर काम काज करते हैं। सेंसिटिव इलाका भी माना जाता है, अगर दिल्ली में कुछ बवाल होता है तो सीलमपुर जाफराबाद में उस बवाल की आंच जरूर आती है। तो सेंसिटिव इलाका है, क्राइम दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक क्राइम पॉर्न इलाका भी है, लेकिन फिलहाल यहां पर जो लोग हैं उनको समझाने बुझाने की एक कोशिश की जा रही है। ये पुलिस जो अब से तकरीबन 1.5 से 2 घंटे पहले मैंने इनको भागते हुए देखा और इनके साथ भागते हुए देखा, आंसू गैस के गोले छूट रहे थे यहाँ पर। फिलहाल ऐसी कोई यहाँ पर स्थिति बनती नहीं दिख रही है। फिलहाल की स्थिति की बात की जाए तो सब कुछ यहाँ पर शांत दिखाई दे रहा है। जो पुलिस है वो लोगों को समझा बुझा भी रही है, देखिए दूसरी तस्वीर। तो फिलहाल सब कुछ आमने सामने की सामान्य बात है। पहले यही लोग गलियों में थे, गलियों में छुप छुप कर थे और पुलिस को लगातार चैलेंज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब तकरीबन पुलिस और लोग वो बेहद करीब आ गए हैं। और जब ये इस तरह से करीब आ जाते हैं तो कम से कम इतनी जरूर उम्मीद की जाती है कि एक शांति जो बनती हुई दिख रही है, क्योंकि पुलिस और जो जनता है वो एकदम अगर आमने सामने करीब आ जाए तो आपको समझना होगा कि शांति बनती हुई दिख रही है, और वो शांति बनती हुई यहाँ पर दिख रही है। लेकिन अगर सामने की तरफ आप देखें, कैमरा पर्सन को हमें जूम करके दिखाएं, वो वहाँ पर भारी तादाद में जरूर एक मैदान है, लड़के वहाँ पर इकट्ठा हुए, लेकिन पुलिस भी वहाँ पर मौजूद है। जैसा कि आपको बता दूं यहाँ पर मिनिमम फोर्स का यूज किया गया, हालांकि बाद में एक्स्ट्रा फोर्स जरूर बुलाई गई, लेकिन मिनिमम फोर्स का यूज किया गया ताकि जो भीड़ है वो ज्यादा फोर्स देकर और उग्र न हो।
हालांकि 2 से 3 घंटे तक ये जो पूरी सड़क थी वो हाईजेक थी। अभी भी आप देखिए अगर सड़क पर पत्थर ही पत्थर है, जमकर पत्थरबाजी यहाँ पर हुई है और जवाब में जमकर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। लेकिन फिलहाल की स्थिति यह है कि फिलहाल यहाँ पर अभी मौजूदा जो स्थिति है मौजूदा वक्त में वो एकदम शांत है। जो लोग हैं वो उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। सामने की तरफ अगर आप ये मस्जिद देख पा रही है, इसी मस्जिद से बाकायदा जो इमाम है उन्होंने अनाउंस किया कि किसी तरह का उपद्रव न फैलाया जाए, किसी तरह की हिंसा न फैलाई जाए, जो पुलिस है उसको अपना काम करने दिया जाए, लोग अपने अपने घरों में चले जाएं और अगर प्रदर्शन भी करना है तो बेहद शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें। लेकिन दो घंटे पहले तक यहाँ की जो स्थिति थी वो बेहद ज्यादा तनावपूर्ण बनी हुई थी। हालांकि बेहद संवेदनशील इलाका है लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो सामने की तरफ जो लड़के हैं उनमें से ज्यादातर लड़के वो काफी हावी हो चुके थे, इस सड़क पर थे। लेकिन अगर आप ये देखें तो ज्यादातर नौजवान लड़के हैं। हुड़दंगबाजी यही इन्हीं के बीच से शुरू हुई थी और जमकर पत्थरबाजी, और जब शुरुआत हुई थी सड़क की शुरुआत वहां पर कई पत्थरों कई बसों को आग के हवाले भी कर दिया गया था। ये आप देखिए यहां पर जो लोकल लोग हैं अब यहां पर कुछ नारेबाजी जरूर आप देखें अगर यहां पर तो शुरू हुई है, ये नारेबाजी शुरू हुई है। सिटीजन अमेंडमेंट बिल का ये विरोध कर रहे हैं लेकिन मैं दावे के साथ कर रहा हूं, मैंने कई लोगों से बात की, इनको ये मालूम भी नहीं है कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल में क्या क्लॉज है। लेकिन चूंकि विरोध प्रदर्शन करना है, प्रोटेस्ट करना है तो प्रोटेस्ट हो रहा है और यही प्रोटेस्टर थे जिनके हाथ में कुछ दिन, ये देखिए लोकल है जिन्होंने काफी पुलिस की मदद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता कमेटी का चेयरमैन हूँ, मैंने यहाँ पर 84 राइड्स रुकवाए, मैंने सेलमपुर सीलिंग रुकवाया, मैंने वेलकम राइड्स रुकवाए, ओल्ड सेलमपुर और तिलोकपुरी राइड्स रुकवाया, उसके बाद खुरेजी के अंदर जो अभी ईद वाले दिन हुआ था वो रुकवाया और आपके सामने आए हम लोग। यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे, मैंने आपको देखा कि आप लोगों से ये और जिस बात का जिक्र अरविंद लगातार अपनी रिपोर्ट में अपने जो लगातार अगर आप ये देखें तो कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो भी लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है, एक संवाद की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। देखिए पुलिस का जवान है जो गली में, हालांकि ये गली है और तकरीबन जितनी भी गली है उसमें आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं क्योंकि लोग इकट्ठा है। अगर आप ये देखें तो ये देखिए इस गली में वो देखिए दूसरी तरफ तो इस तरह से लोग इकट्ठा हैं। परेशानी यही है कि कम्युनिकेट किस तरह से इनसे किया जाए, पुलिस किस तरीके से इनसे कम्युनिकेट करे, किस तरह से एक संवाद कायम करे ताकि जो ये उग्र प्रदर्शन है इसको रोका जा सके। सामने की तरफ आप अगर आप ये तस्वीरें देखें तो ये गली में कुछ इस तरह से इकट्ठा है और इसी तरह से गलियों में लोग इकट्ठा है और जैसे ही पुलिस पास होती है पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। तो ये एक सबसे चैलेंजिंग यहाँ पर बनी हुई है सिचुएशन कि इसको किसी तरह से कंट्रोल किया जाए। जो DCP हैं उनसे अभी हमारी बात हुई है, वो उन्होंने कहा है कि हम सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं लेकिन जो गली है उस गली से लोग निकल करके आके पत्थरबाजी कर रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे ये एक राहत की बात है, अब धीरे धीरे जो प्रोटेस्टर है उन पर पुलिस है वो अब कहीं ना कहीं हावी होती दिखाई दे रही है। ये एक स्थिति कहीं ना कहीं दिख रही है कि अब जो पुलिस है वो धीरे धीरे क्योंकि यहाँ जी तो लगातार हम आपको ये दिखा रहे हैं कि ये घटनाक्रम किस तरह से बदल रहा है और क्या प्रयास पुलिस की तरफ से यहाँ पर हो रहे हैं कि वापस हालात को काबू किया जाए, नियंत्रण में रखा जाए। चिराग गोठी भी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। चिराग, जिस तरह से जामिया में हालात बिगड़े, विरोध प्रदर्शन की सूरत बदली, वो आपने कवर किया और अब आपने दोपहर 1 बजे से लेकर अभी तक के घटनाक्रम को भी वहां पर अपनी आंखों से देखा, क्या फर्क या किस तरह की सिमिलैरिटीज आपने इन दो प्रदर्शनों में देखी, मैं चाहूंगी कि वो आप जरूर एक्सप्लेन करें। देखिए यहाँ जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था वो कुछ ग्रुप्स में प्रोटेस्ट शुरू हुआ था लेकिन एकाएक वायलेंट हो गया और वायलेंट इस कदर हो गया कि यहाँ पर अब पुलिस तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात हैं और आप ये देखिए यहाँ पर अब हर एक शख्स पर नजर रखी जा रही है, कोई छत से अगर कोई शख्स है उस पर भी नजर पुलिस रख रही है ताकि वहां से कोई पत्थर ना आ जाए। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये आप हालात देखिए, हर जगह जहां इस रोड पर आप जाएंगे यहां पर आपको पत्थर ही पत्थर नजर आएंगे। बीच में वो देखिए वो एक पब्लिक टॉयलेट नजर आ रहा है, वो उसको भी जला दिया गया है और यहां आप देखिए पुलिस गश्त कर रही है। यहां मैं तकरीबन 1 घंटे पहले था तो यहां आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे और यहां पर 10 प्रदर्शन जो है पुलिस की एक तरह से कहा जाए प्रोटेस्टर्स जो है वो पत्थर फेंक रहे थे, दूसरी तरफ से आंसू गैस के गोले पुलिस फेंक रही थी और आप देखिए यहां पर पुलिस मार्च कर रही है, पीछे की तरफ अभी भी प्रोटेस्टर्स जो है वो डटे हुए हैं और ये देखिए ये बीच में ये पब्लिक टॉयलेट है जिसको लगा दिया गया है, इस
बाइक को तोड़ दिया गया। ये प्रोटेस्ट सर बिल्कुल मीनाक्षी सेम ही है जिस तरह से जो प्रोटेस्ट जामिया में हमने देखा कि वहां पर कुछ जो जामिया प्रशासन ये क्लेम करता है कि उनके स्टूडेंट्स नहीं थे, बाहर के थे, हालांकि पुलिस का कहना है कि वो जांच कर रही है कि कौन थे, बाहर के थे या स्टूडेंट्स थे। जिस तरह से क्लैश हुआ वैसी तस्वीर देखने को मिली। सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के एक तरह से कहा जाए जामिया, उसके बाद दिल्ली का सीलमपुर इलाका यानी कि मुस्लिम बहुल इलाका, इन्हीं जगहों पर यहाँ प्रदर्शन हुआ और जबरदस्त हुआ। हालांकि कल भी यहाँ प्रदर्शन हुआ लेकिन यहाँ उम्मीद नहीं थी कि अब इतना ज्यादा वायलेंट हो जाएगा। और आप देखिए ये थाना है, यहाँ पर पुलिस तैनात है, पीछे की तरफ प्रोटेस्टर्स अभी भी स्लोगन जो है वो रेस कर रहे हैं और जिस तरह से यहाँ पर अभी भी ये कहा जा सकता है कि अब पुलिस तैनात कर दी गई है और हर जगह एक तरह से कहा जाए कि निपटने के लिए पुलिस तैनात। और ये देखिए ये पब्लिक टॉयलेट है जिसको बीच में जला दिया गया मीनाक्षी, इसमें आग लगाई गई। ये मैं उस वक्त मौके पर था जब ये आग लगाई जा रही थी। और यहाँ पर आप देखिए ये लोग कौन थे, क्या ये सीलमपुर के लोग थे कि कबीरनगर के लोग थे? और यही सबसे बड़ा सवाल है चिराग, जो आपने इस वक्त ये पॉइंट यहाँ पर उठाया, मैं लौट रही हूँ चिराग आपके पास। ये सबसे सबसे अहम बात इसलिए भी निकल कर आ रही है, अरविंद भी मौजूद है हमारे साथ, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन देखिए जब जामिया में प्रोटेस्ट हुआ तो वहां पर भी खुद जामिया प्रशासन की तरफ से ये कहा गया कि स्टूडेंट्स ने हिंसा नहीं की, कुछ और तत्व आए जिन्होंने इस तरह की हिंसा की घटना को अंजाम दिया। और एक बार फिर इसी तरह का स्वर सीलमपुर इलाके की इस घटना में भी सुनाई दे रहा है। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।